हेलो गाइस। सो यार एसए स्ट्रीम का जो है एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक 12:30 बजे, और अभी 1 बज चुका है। सो स्टूडेंट्स के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं क्वेश्चन वगैरह कि भैया कैसा पेपर हुआ है। स्पेशली पुणे के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली से सेंटर से थे, चंडीगढ़ के सेंटर से थे, एंड 2-3 बच्चों से मेरी बात भी हुई थी, ठीक है। एंड बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि भैया पेपर कैसा हुआ था, जो भी KOPY के एस्पिरेंट्स हैं ऐसे स्ट्रीम वाले। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल बायो का पेपर इट्स वेरी इजी, ठीक है, एकदम इजी, एकदम पर बात खत्म, ठीक है, पूरे में से पूरे सभी के राइट, ऐसे आप समझ लो, बहुत ही इजी पेपर था बायो का। देन अगर अपन बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जिसे आप बोलते हो, केमिस्ट्री का ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, ठीक है, इनऑर्गेनिक थोड़ी सी थी एंड इट्स नॉर्मल, और जो भी करीम स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा पेपर था, ठीक है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे, दिस इज थोड़े से लेवल के क्वेश्चन थे एंड कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बता रहे थे, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, ठीक है। एंड अगर हमारे हाथ पेपर लगता है देन आई विल सोल इट इन डॉट खत्म ब्लास्ट एकदम राइट। एंड सो पेपर का जस्ट लाइक ओवरऑल अगर अपन देखें तो दिस इज वेरी इजी राइट। एंड स्टूडेंट्स का रिएक्शन, स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा पेपर आया तो आपकी जो रैंक की जो पोजिशन है वो क्या होने वाली है, वो घटने वाली है राइट। एंड सो जस्ट यार इसके रिगार्डिंग जो है जल्दी और भी बहुत सारे स्टूडेंट से रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम आपको जल्दी अपडेट करेंगे और जल्दी आपको बताएंगे कि आपका आगे का क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, आपकी क्या रैंकिंग रहेगी IASC के लिए, ISER के लिए, किस में आप एलिजिबल हो, किस में एलिजिबल नहीं हो, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं राइट, वहाँ पे कितने मार्क्स पे आपका मिल जाएगा, पिछले साल कितने पे मिला था, उससे पिछले साल कितने पे मिला था, तो ऐसी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल रही होगी। तो जस्ट आई होप आपको जस्ट इस जानकारी से कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, और जस्ट आप मेरे को बताइए कि आपके मैथमेटिक्स जस्ट लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर क्या हालात है, एंड मुझे जस्ट इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर आप मुझे जो है ईमेल भी कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, क्या आपकी एक्यूरेसी रही है, कितने क्वेश्चन आप छोड़ के आए हो, कितने क्वेश्चन आपके गलत है गलत नहीं है, तो आप सारा का सारा जो है मुझे बता सकते हो, या फिर एक नीचे ईमेल आईडी दे रहा हूँ, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर जो कि मेरी टीममेट्स के पास है, तो जस्ट मैं वहाँ पे भी देख लूंगा, तो आप जस्ट व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो कि भैया क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या रिस्पॉन्स नहीं रहा है। स्पेशली कोई बच्चा अगर दिल्ली से है, जम्मू से है, चंडीगढ़ से हो, पुणे से हो, कहीं से भी हो राइट, और जस्ट IASC एंड ISER के रिगार्डिंग सारी के सारी आपको अपडेट मिल रही होगी कि आपको KOPY के रिगार्डिंग आपकी KOPY की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर आप KOPY में सेलेक्ट हो जाते हैं देन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो KOPY के बारे में पता भी नहीं होगा कि भैया KOPY का मतलब है एक IASC में एडमिशन लेना, एक ISER में एडमिशन लेना। यार KOPY के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप KOPY अगर बहुत अच्छे आपके मार्क्स आते हैं देन इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, देन टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहिए। आपने अभी जस्ट ऐसे एग्जाम ऐसे का तो हो चुका है, SX का जो है जस्ट लाइक जल्द ही पुटअप हो रहा होगा, और एक क्वेश्चन था CMI वाले बच्चों के लिए जिनका CMI का एग्जाम था आज, KOPY वालों को भी था, तो यार जो KOPY का एग्जाम दे रहे हैं CMI का भी फॉर्म अप्लाई किया, देन आपका जो है कल होगा CMI का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।